आज हम लौकी को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऐसे ऐसे राउंड काट के रखा हुआ है। और हमें चाहिए ये है बेसन और ये है चावल का आटा। इससे ये फ्राई एकदम क्रिस्पी बनेगा। और हमें चाहिए ये है धनिया, जिसे मैंने छोटे छोटे काट के रखा हुआ है। और ये है नमक स्वादानुसार। और ये लाल मिर्च पाउडर है, आपको तीखा जितना चाहिए उतना यूज़ कीजिए। और ये हल्दी पाउडर, और ये थोड़े से गरम मसाला, और ये जीरा पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और ये है थोड़ा सा कुकिंग सोडा। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना है तो कीजिए। और हमें फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। अब मैंने ये लिया है बेसन, इसमें मैं ऐड करूँगी ये चावल का आटा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पूरे मसाला। और अब इसे अच्छे तरह से मिक्स करके लेना है। अब हम इसमें पानी डाल के मिक्स करेंगे, थिक बैटर बनाएंगे। अब मैंने इसका थिक बैटर बना लिया है। और अब हम इसमें लौकी डालेंगे और पूरा मसाला इसमें कोट कर देंगे। मसाला अच्छी तरह से कोट कर लेना चाहिए। तब तक हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। और अब यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ये डाल देंगे। अब इसे एक तरह से अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। अब ये फ्राई हो रहा है, इसे टर्न कर दीजिए। फिर दूसरे साइड भी पका लीजिए। फिर से इसे टर्न कर दीजिए। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे निकाल सकते हैं। ये रेडी है मेरी लौकी फ्राई, और इसे चाय के साथ खा सकते हैं।